मूवी की शुरुआत में हम यंग डोरियन को देखते हैं, जो लंदन में दोबारा रहने आया था। जब वो छोटा बच्चा था तब उसके माता पिता की मौत के बाद वो अपने नाना के साथ ही रहता था, लेकिन अब उनके मौत के बाद ग्रे को उनकी जमीन और घर विरासत में मिला और वो वहाँ आकर रहने लगता है। एक दिन डोरियन एक ऑर्फनेज के लिए पियानो बजा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात बेसिल नाम के एक आर्टिस्ट से होती है। बेसिल अपने अगले पेंटिंग के लिए डोरियन को रोल मॉडल बना लेता है और उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करता है। एक दिन पेंटिंग बनाते हुए बेसिल को डोरियन के शरीर पर काफी सारे छोटे निशान दिखाई देते हैं, हालांकि वो कुछ कहता नहीं है। दरअसल डोरियन के दादाजी काफी ज्यादा अब्यूजिव थे और उसे काफी मारा करते थे। आगे बेसिल डोरियन को एक पार्टी में लेके जाता है, जहां उसकी मुलाकात हैरी से होती है। अब कुछ दिनों के बाद बेसिल डोरियन की पेंटिंग पूरी करने लगता है। वहां पे हैरी भी आया था। इसी दरमियान तीनों भी एक क्लब में जाते हैं और वहां पे ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद बेसिल पेंटिंग को फिनिश करके यहाँ लाने के लिए चला जाता है। उसी समय डोरियन को एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन उससे बात करने के लिए वो काफी डर रहा था। इसी दरमियान बेसिल डोरियन की पेंटिंग पूरी कर वहाँ लेके आता है, जिसे देख हैरी तो खुश होता है लेकिन डोरियन दुखी हो जाता है। पेंटिंग को देख वो एक सोच में पड़ जाता है कि समय के साथ साथ वो तो बुजुर्ग हो जाएगा, जितना खूबसूरत अब है उतना नहीं रहेगा, लेकिन उसकी ये पेंटिंग हमेशा के लिए जवान रहेगी। वो विश करता है कि काश मेरे बजाय मेरी पेंटिंग बूढ़ी होती और मैं ऐसे ही जवान रहता। और ये बात उसे इतनी खाई जाती है कि वो एक डेविल को यानी शैतान को भी अपनी आत्मा बेच सकता था। फिर घर लेके आने के बाद वो पेंटिंग अपने नाना के पेंटिंग के सामने वाली दीवार पर लगा देता है। आखिर डोरियन एक दिन घूमने के लिए जाता है, जहाँ पे उसे ये लड़की की तस्वीर दिखाई देती है, जिसका नाम सिबली था। डोरियन उसका शो देखने जाता है और फिर उससे कतराते हुए बातें करता है और दोनों की भी दोस्ती हो जाती है और दोनों में डेट करने लगते हैं। एक दिन किसी बुरे सपने से वो उठता है और लैंप पे हाथ लगने के कारण उसे काफी चोट आती है और वो सिबली को उसके नाना कैसे मारा करते थे उसके बारे में बताता है और वो निशान दिखाने के लिए जाता है, लेकिन उसके पीठ पर कोई भी निशान नहीं था। अगले दिन डोरियन सबको बता देता है कि उसे सिबली से शादी करनी है, लेकिन उसके दोस्त ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं होते और सबको वो सिबली का परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन हैरी के अलावा कोई भी थिएटर चलने के लिए तैयार नहीं होता। रास्ते में हैरी उसे बताता है कि उसके फैमिली में एक मेहमान आने वाला है। अब इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो जानबूझ के क्लब में चले जाते हैं, जहाँ पे हैरी उसे समझाता है कि वो सिबली से शादी ना करें और रात भर लड़कियों के साथ वो पार्टी करने लगते हैं। और इसी तरह डोरियन का सिबली से शादी करने का मन भी भर जाता है। हैरी खुद एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहता था और अब वो डोरियन को भी अपने जैसा बना रहा था, लेकिन ये बात सुनकर सिबली काफी दुखी हो जाती है और इसके लिए वो हैरी को ब्लेम करने लगती है, जिससे डोरियन को और भी गुस्सा आ जाता है और वहां से निकलने लगता है। घर लौटकर डोरियन अपने पेंटिंग को देखता है, जिसमें उसे कुछ फर्क दिखाई देता है। अब अगले दिन वापस हैरी के साथ पार्टी करने के बाद जब शाम को घर लौटता है, सिबली का भाई आया हुआ था। वो उसे बताता है कि सिबली ने सुसाइड कर लिया है और वो मरने से पहले उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, फिर भी तुमने उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। और गुस्से में वो डोरियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। डोरियन को ये सब कुछ सुनकर काफी दुख होता है, क्योंकि वो सिबली से प्यार करता था। थोड़ी देर के बाद हैरी वहाँ आता और उसे दिलासा देता है। हैरी जाने के बाद डोरियन अपने पेंटिंग देखता है, तब उसे पेंटिंग में फिर से बदलाव दिखाई देता है। वो देखता है कि उसके हाथ की चोट अब पेंटिंग में लगी है, यानी यहाँ पे डोरियन की विश पूरी हुई थी और उसका सोल उस पेंटिंग में कैद हुआ था। डोरियन की हर एक गलती, उसके बुरे कर्म अब उस पेंटिंग में जाने वाले थे और यहाँ पे बस डोरियन का शरीर था। ये सब कुछ देख डोरियन समझ जाता है कि उसकी विश पूरी हुई है, अब उसके बजाय उसकी पेंटिंग बूढ़ी हो रही थी। अब अगले दिन बेसिल डोरियन से मिलने आता है, लेकिन डोरियन उसे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सिबली की मौत हुई है उसके कारण। और बेसिल देखता है कि उसने बनाई हुई पेंटिंग दीवार पर नहीं है और वो डोरियन से पूछता है, तो डोरियन उसे कहता है कि वो पेंटिंग उसके लिए बेहद कीमती है, इसीलिए वो किसी को भी दिखाना नहीं चाहता। वो पेंटिंग उसने वही पुराने कमरे में रख दी थी। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, डोरियन भी काफी बदलने लगता है। लड़कियों के साथ मजे, पार्टी, शराब पीना, यही सारे वो चीजें कर रहा था। उसके किए गए हर बुरे काम के साथ साथ वो पेंटिंग खराब होते जा रही थी और डोरियन वैसे के वैसा ही था। डोरियन को इतना बदला हुआ देख बेसिल भी काफी हैरान होता है और इस बात के लिए वो हैरी को ब्लेम करने लगता है।
कुछ दिनों के बाद बेसिल वापस डोरियन से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसकी पेंटिंग चाहता है ताकि वो अपने एग्जीबिशन में लोगों को दिखाए। पर बेसिल काफी गुस्सा हो जाता है और उसके इतने अजीब बदलाव के बारे में वो उसे पूछता है कि आखिरकार कहाँ गया वो मासूम डोरियन जिसकी मैंने पेंटिंग बनाई थी। अब ये सब कुछ सुनकर डोरियन उसे पेंटिंग दिखाने के लिए राजी होता है और जब बेसिल पेंटिंग देखता है तब वो काफी हैरान हो जाता है। पेंटिंग पूरी तरीके से खराब हो रही थी और डोरियन उसे सारी हकीकत बता देता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सारी बुरी चीजें उस पेंटिंग में उतर रही थी और डोरियन पर कुछ भी उसका फर्क नहीं था। डोरियन जो भी करता उसकी सजा उस पेंटिंग को मिलती और इसी कारण से उसके बिहेवियर में भी काफी बदलाव आने लगता है क्योंकि किसी भी चीज का परिणाम उसे खुद भुगतना नहीं था। बेसिल परेशान होकर उसे प्रीस्ट को दिखाने के लिए कहता है लेकिन डोरियन मना कर देता है, उसे ये राज राज ही रखना था। काफी इन दोनों की भी काफी बहस होती है, इसीलिए डोरियन बेसिल पर हमला कर उसे मार देता है और उसके लाश को नदी में फेंक देता है। उसने अपने ही खास दोस्त को मार दिया था, इसका भी अफसोस उसे नहीं था और फिर से वो पार्टी और लड़कियों के साथ मजे करने लगता है। कुछ समय के बाद बेसिल की लाश पुलिस को मिलती है लेकिन किसी को भी उसकी मौत की वजह पता नहीं थी। फिर डोरियन पूरी दुनिया घूमने का फैसला करता है, वो हैरी को भी बुलाता है लेकिन हैरी को एक नन्ना सा बच्चा हुआ था इसीलिए वो मना करता है। इसी तरह 25 साल बीत जाते हैं। डोरियन वापस लंदन आके सबसे मिलता है, उसे देख सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि डोरियन अभी 25 साल के बावजूद 20 साल का ही लड़का दिखाई दे रहा था जबकि उसके साथ वाले सब लोग बूढ़े हो चुके थे। हैरी उससे जवान रहने का राज पूछता भी है लेकिन हंसते हुए डोरियन ये बात टाल देता है। डोरियन दिखने के लिए काफी सुंदर और अमीर लड़का था, समाज उसे इज्जत शोहरत जो भी देती वो लेता और उसका गलत फायदा उठाते गया, वो एक गलत राह पर चल पसा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अब वो थक गया था। पार्टी में वो एक दिन एमिली यानी हैरी के बेटी से मिलता है और दोनों भी अच्छे दोस्त बनते हैं। उसे सिबली की भी याद आती है और उसका फोटो देखते हुए रोने लगता है। उसके ग्रेव पर जाकर उसे याद करने लगता है जहाँ पे सिबली का भाई उसे देख लेता है और उसे स्ट्रेंजर समझ के मारने आता है। अब डोरियन जब घर आता है तब एमिली यानी हैरी की बेटी उसका वहाँ पे इंतजार कर रही थी। हैरी की बेटी उसे पिकनिक के लिए इनवाइट करती है। दोनों भी देर रात तक जीवन पर बातें करने लगते हैं। फिर वो एमिली को उसके घर पर छोड़ देता है लेकिन हैरी अपने बेटी को डोरियन के साथ देखता है तब वो काफी गुस्सा हो जाता है। डोरियन एक दिन पियानो कॉन्सर्ट कर रहा होता है जहाँ पे लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये बातें सुनकर डोरियन तो काफी गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ पे बेसिल की लाश भी दिखाई देने लगती है जिससे वो काफी घबरा जाता है। तभी उसे विजन आया करते थे कि वो नरक से भागने की कोशिश कर रहा है और लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं। अब रात में वो एमिली के साथ घूम रहा होता है जहाँ पे उसे जिम दिखाई देता है। उसे देखकर वो काफी घबराता है और एमिली को वो बताता है कि मैंने जीवन में बहुत ही सारे गलत काम किए हैं जिसका उसे अब जाके पछतावा हो रहा है। और काफी समय के बाद वो अपने पेंटिंग को देखता है जो कि पूरी तरीके से सड़ गई थी, इसीलिए वो चर्च जाता है और एक प्रीस्ट के सामने कन्फेस करता है। वहाँ पे वो प्रीस्ट को बताता है कि मेरी आत्मा जहर जैसी खराब है और पूरी तरीके से खराब हुई है और प्रीस्ट से वो मदद मांगता है लेकिन प्रीस्ट उसके बातों को नहीं मानता। अब घर जाते समय जिम डोरियन को देख उस पे गोली चलाता है और डोरियन उससे बच के भागते हुए एक रेल ट्रैक पर पहुंच जाता है लेकिन जिम के गोली चलने से पहले ही ट्रेन उस पर से गुजर जाती है। लेकिन डोरियन को कुछ भी नहीं होता, वो घबराते हुए हैरी के घर पहुंचता है जहाँ पे वो एमिली से मिलकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। लेकिन कुछ बताए उसके पहले ही वो सो जाता है। अब अगले दिन हैरी इन दोनों को साथ में देखता है तब वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ शादी कर ले। लेकिन हैरी को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि डोरियन अभी भी इतना जवान कैसे है। वो उसकी पुरानी तस्वीर देखने लगता है और तब उसे मानो शक हो जाता है कि डोरियन की जगह पे शायद उसकी तस्वीर उसकी पेंटिंग बूढ़ी हो रही है। लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए वो बेसिल ने निकाली हुई उस पेंटिंग को ढूंढने लगता है और उस कमरे तक पहुंचने के बाद उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाता है। अगले दिन हम देखते हैं डोरियन और एमिली एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पे हैरी भी होता है, जहाँ पे हैरी पार्टी छोड़कर निकल ही रहा होता है और जाते समय वो डोरियन को कुछ कह के जाता है जिससे डोरियन को शक होने लगता है कि शायद उसे पेंटिंग के बारे में पता चल गया है और वो भी हैरी के पीछे पीछे घबराते हुए जाने लगता है। यहाँ पे हैरी डोरियन के घर पे पहुंचता है, वही रूम खोलता है और उसकी पेंटिंग देखने ही वाला होता है लेकिन डोरियन वहाँ पे आ जाता है। लेकिन हैरी को वही पर बेसिल के कुछ कपड़े दिखाई देते हैं जिससे वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे डोरियन का ही हाथ है और वो इमोशनल होते हुए सारी सच्चाई हैरी को बता देता है। लेकिन अब वो बदलना चाहता है, वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है एमिली के साथ जिसके लिए वो अब हैरी को जान से मारने की वाला था। लेकिन तभी
एमिली आकर उसे आवाज देने लगती है, जिस वजह से डोरियन का ध्यान हट जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए हैरी बच जाता है और डोरियन की वो पेंटिंग देख लेता है। पेंटिंग में एक बहुत ही बदसूरत खराब इंसान उसे दिखाई देता है, जो कि डोरियन का असली रूप होता है, और वो घबरा कर पेंटिंग में आग लगा कर डोरियन को वही कमरे में बंद करके गैस लैम्प तोड़ देता है। एमिली वहां आकर डोरियन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डोरियन उसे चाबी देने से मना करता है। इसके बाद वो अपने पेंटिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से अब वो पेंटिंग में जैसा इंसान था वैसा धीरे धीरे दिखने लग जाता है, और वही पर धमाका होकर डोरियन मारा जाता है, जिसमें एमिली और हैरी तो बच जाते हैं, लेकिन एमिली काफी दुखी होती है। आगे कुछ सालों के बाद हैरी किसी को बता रहा होता है कि एक दिन उसकी बेटी समझ जाएगी कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। फिर मूवी के अंत में हम उसी पुरानी पेंटिंग को देखते हैं, जिसमें उस पेंटिंग में डोरियन काफी खूबसूरत जवान लड़का दिखाई दे रहा था, और इसी से हमें पता चलता है कि जो डोरियन की आत्मा थी, जो दिन ब दिन उस पेंटिंग में कैद हुई थी, उसके बुरे कामों के कारण वो खराब होते जा रही थी, लेकिन उसे जब खुद की गलतियों के बारे में पता चलता है और पछतावा होकर जब वो खुद की जान लेता है, तब वो वापस एक सच्चे इंसान की तरह बन गया था। इसीलिए उसकी मृत्यु के साथ उसकी सोल भी उस पेंटिंग से फ्री हो जाती है। दोस्तों, ये एक नॉवेल थी जो 1890 में ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी हुई थी। मूवी में बताया गया हर एक कैरेक्टर, उनका डेवलपमेंट काफी अमेजिंग है। कई लोगों का मानना है कि डोरियन डार्क मैजिक में इन्वॉल्व था, इसी के कारण उसने अपना सोल ट्रेड किया था, लेकिन नॉवेल में ऐसी कोई भी चीज बताई नहीं गई है। ये एक फिक्शन नॉवेल है जिसमें सिर्फ यही बताया गया था कि डोरियन के विश के कारण उसका सोल उस पेंटिंग में ट्रैप हो गया था और उसके कैरेक्टर को वो डिफाइन कर रहा था। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।